हाय हाय एम गौतम द्विवेदी हमारा पिछला टॉपिक था जो मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था वो हमारा मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट था मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट जैसे मैंने बताया था कि कंक्रीट कैसे मिक्स होगा कौन कौन से मेथड है हैंड मिक्सिंग मेथड और मशीन मिक्सिंग मेथड आज का हमारा टॉपिक है कंक्रीट बिछाना प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट कंक्रीट को हम कैसे बिछाते हैं क्या कैसे प्लेस करते हैं बिछाने में क्या क्या सावधानी हमको बरतनी चाहिए उसी चीज़ पे आज का हमारा ये टॉपिक है आइए देखते हैं तो पिछले टॉपिक में हमने बताया था मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट हमने क्या कि कंक्रीट मिक्स कर ली कंक्रीट बना ली कंक्रीट बनाने के बाद से हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट कंक्रीट को ट्रांसपोर्टेशन करना ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये हुआ कि हम एक जगह कंक्रीट बनाए कंक्रीट में मिक्स किए मिक्सिंग करने के बाद से उसको ट्रांसपोर्ट करके दूसरे जगह पे ले जा उसको प्लेस करना ठीक जैसे एग्जांपल ले, ले लेते हैं कि हमारा घर बन रहा है हमारे घर में बीम की कास्टिंग करनी है बीम की हमको क्या करनी है कास्टिंग करनी है तो अब हम जहाँ बीम बना रहे हैं वहीं पे तो कंक्रीट हम बनाएंगे नहीं तो उससे कुछ दूर पे हम क्या करेंगे कंक्रीट की मिक्सिंग करेंगे वहाँ पे उसके हम क्या करेंगे मिक्सिंग की मिक्सिंग करने के बाद से उसको हम क्या करते हैं जहाँ हम मिक्सिंग किए हैं वहाँ से ट्रांसपोर्ट करेंगे उठा के ले जाएंगे और रखेंगे कहाँ पर जहाँ पर हमारी बीम की कास्टिंग होगी तो वो टर्म हमारा हो गया ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन के बाद से हम क्या काम करते हैं कंक्रीट को बिछाना कंक्रीट को क्या करना बिछाना बिछाने का तात्पर्य हुआ कि जैसे मैंने भी एक एग्जांपल दिया कंक्रीट की क्या कर... बीम की क्या करनी कास्टिंग करनी है तो हमको जहाँ की कास्टिंग करनी है वहां पे हम कंक्रीट को क्या करेंगे बिछाएंगे कंक्रीट को रखेंगे इस क्रिया को हम कहते हैं कंक्रीट की बिछाना ठीक आइए उसी चीज को हम देखते हैं कंक्रीट को बिछाना ये हमारा टॉपिक है कंक्रीट की सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए इसका अच्छे ढंग पर मिक्स डिजाइन व उत्पाद प्राप्त नहीं है बल्कि इसको हाँ तो कंक्रीट बिछाने का मतलब ये हुआ कि कंक्रीट बिछाते समय हम क्या काम करेंगे कंक्रीट को उठाए ले गए हमको बीम की कास्टिंग करनी है तो बीम की कास्टिंग करने से पहले हम क्या करेंगे एक फरमा बंदी करेंगे फर्मा बंदी करके उसमें क्या करेंगे हम कंक्रीट को डालेंगे कंक्रीट डालने के बाद उसको क्या करेंगे हम कुटाई कॉम्पेक्शन कॉम्पेक्शन इसलिए करते हैं ताकि उसमें के वायरस हमारे रिमूव हो जाएँ रंध्रस्थान रिमूव हो जाए और जो हमारे पार्टिकल है वो हमारे पास पास आ जाता हम उसको क्या करेंगे कॉम्पेक्शन अच्छे से खूब कुटाई करेंगे कुटाई करने के बाद से उसकी सरफेस को फिनिशिंग देंगे इस पूरी क्रिया को हम कहते हैं कंक्रीट का है? बिछाना ठीक एक चीज हम और ध्यान देंगे कंक्रीट बिछाते समय हम कंक्रीट को बहुत ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिराएंगे जो मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पे मैंने पढ़ के आपको बताया है कि कंक्रीट बिछाते समय कंक्रीट को अधिक ऊंचाई से नहीं गिराया जाता है या पटका जाता है अधिक ऊंचाई से गिराने या पटकने से मेरी कंक्रीट में ब्लीडिंग हो जाती है ब्लीडिंग और सेग्रेशन की प्रॉपर्टी आ जाती है तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं कंक्रीट को अधिक ऊंचाई से नहीं गिराते हैं इस चीज को हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि कंक्रीट को हम अधिक ऊंचाई से नहीं गिराते हैं आई थिंक आप लोग को कंक्रीट बिछाना समझ में आ गया होगा एक बार मैं उसको और रिपीट कर देता हूँ कि आप लोग को वो चीज़ एकदम दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि कंक्रीट बिछाना क्या होता है उस चीज में आपको कोई दिक्कत ना हो अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कंक्रीट बीम का चलिए बीम का एग्जाम्पल छोड़ते हैं हम दूसरा कोई एग्जाम्पल उठाते हैं कहोगे कि सर बार बार क्या बीम का एग्जाम्पल उठाते हैं बीम 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 चलिए मैं एक काम करता हूँ मैं उसका एग्जाम्पल उठाता हूँ क्या कहते हैं कॉलम का हमको क्या करना है एक कॉलम की कास्टिंग करनी अपने घर बना रहे हैं अपना घर बनवा रहे हैं उस घर में वो क्या करना है कॉलम बनवाना कॉलम बनवाना है तो हमने क्या किया कॉलम को पहले क्या कि? फर्मा बंदी की फर्मा बंदी करने के बाद से हमने मिक्स मिक्स कंक्रीट तैयार किया उसको ट्रांसपोर्ट किया ये ट्रांसपोर्टेशन के बाद हमारी कंक्रीट बिछाने की क्रिया आती है प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट इन दो स्टेप के बाद आता है हमने क्या किया कंक्रीट ट्रांसपोर्ट किया ट्रांसपोर्ट करने के बाद से उस फॉर्म वर्क फर्माबंदी में हम कंक्रीट को डालेंगे कंक्रीट डालने के बाद से उसके हम क्या करेंगे अच्छे से कुटाई करेंगे कुटाई इसलिए करते हैं ताकि उसमें जो वर्ड्स है वो रिमूव हो जाए और जो पार्टिकल वो पास पास आ जाए जिसमें उसमें खाली स्थान ना रह जाए कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़िया हो जाए ठीक अच्छे से उसको कॉम्पैक्ट करेंगे कॉम्पैक्ट करने के बाद उसकी सरफेस की हम फिनिशिंग करेंगे फिनिशिंग करने के बाद ये क्रिया हमारी संपन्न होती है इतने प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्क्रीट की प्लेसिंग कंक्रीट प्लेसिंग करते समय एक चीज हम बहुत ध्यान रखेंगे कंक्रीट को हम बहुत ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिराएंगे बहुत ज्यादा ऊंचाई से गिराने पे सेग्रेशन और ब्लीडिंग जैसे डिफेक्ट हमारे कंक्रीट में आ जाते हैं जिसके वजह से कंक्रीट हमारी क्या होती है जिसके वजह से कंक्रीट हमारी खराब हो जाती है और हमारे उस कंक्रीट का स्ट्रेंथ कम हो जाता है ठीक है तो ये चीज हमेशा हम ध्यान रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं कंक्रीट बिछाने से पूर्व सतह की तैयारी कंक्रीट बिछाने से पहले हम सतह की तैयारी करते हैं तो पहला स्टेप करते हैं पहला है कि मृदा वाली सतह अगर हमारी जहां पर कोई कंक्रीट बिछानी है वो सतह स्वायल है स, जो सरफेस है वो स्वायल है तो उसमें क्या करते हैं हाँ तो पहले उसमें क्या करते हैं मृदा वाली सतह में हम क्या करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं कि मृद स्वायर की जो ऊपर वाली लेयर होती है टॉप लेयर दस एम एम मैंने एक सेंटीमीटर की लेयर को क्या करते हैं छिलके कुदार से या किसी चीज़ से उस उस लेयर को क्या करते हैं हटा देते हैं क्योंकि उस लेयर में आपके घास होते हैं गंदगी होती है जो हमारे कंक्रीट के स्ट्रेंथ को प्रभावित करेंगे तो हम ऊपर की एक सेंटीमीटर से दो सेंटीमीटर मतलब दस एम एम से बीस एम एम की मोटी लेयर हम क्या करते हैं हटा देते हैं उसके बाद उस सरफेस को अच्छे से हम साफ करते हैं साफ करने के बाद से से उसको अच्छे से करके ठोस बना लेते हैं फिर उस पर हम कंक्रीट बिछाने का कार्य करते हैं करने का मतलब कर कर कि एक हम आधार सतह बनाते हैं आधार सतह बनाने का मतलब कि कंक्रीट के ऊपर की लेयर सॉरी सॉइल के ऊपर की लेयर को हटा के उस लेयर की अच्छे से कॉम्पैक्ट कुटाई करके एक ठोस सतह बनाते हैं जिसको आधार सतह हम कहते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट है हमारा चट्टानी सतह अगर हमारा चट्टानी सतह है तो हम क्या करेंगे चलिए अगर हम चट्टानी सतह है तो जब चट्टान तथा चट्टान तथा पथरीली सतह पर कंक्रीट बिछाना हो तो तार के ब्रूस से रगड़कर आधार पर जमी जमी हुई काई ढीले कर मिट्टी आदि निकाल देनी चाहिए मान लीजिए अब हमारी चट्टानी सतह चट्टानी सतह को हम क्या करते हैं खुरच कर एक तार ब्रश लेते हैं तार ब्रश से खुरच कर उसकी सतह को क्या करते हैं साफ़ कर लेते हैं साफ़ करने का मतलब ये हुआ कि उस पर काई लगी हो या कोई ढीली मिट्टी हो या मिट्टी या गंदगी हो तो उस गंदगी को हम क्या करते हैं साफ कर लेते हैं और उसके बाद से उस पर बिछाते हैं इसमें आधार सतह इसलिए नहीं तैयार करते क्योंकि वो चट्टान का लेयर है भाई चट्टान हमारी वैसे ही मजबूत होती है ठोस होती है सॉलिड होती है तो उसपे आधार सतह कॉम्पैक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है चलिए, हमारा अगर कंक्रीट सतह हमारा हमारा तो क्या करेंगे हाँ नया कंक्रीट डालने से पहले पुरानी कंक्रीट सतह को तार से खुरच कर कर इस पर जमी हुई लूज मसाला साफ कर लेनी चाहिए ताकि पुरानी व नई कंक्रीट में में कोई बॉन्डिंग बन सके इसको हम अपने इस वर्ड में बताते हैं सिंपल वर्ड में समझने वाले वर्ड हम क्या करते हैं कि जब हमको कोई पुरानी सतह है पुरानी कंक्रीट लेयर है उस लेयर पर तो हमको क्या करना है नई कंक्रीट लेयर बनानी सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ भी मैं अपना एक देता हूँ कि हमको फर्श है ठीक मेरे घर का क्या है फर्श है अब मैंने देखा फर्श बनवाया फर्श बनवाने के पांच साल दस साल बाद मैंने देखा कि हमारी फर्श टूट गई है टूट रही है तो मैंने सोचा कि अब इसके ऊपर मैं एक नया फर्श डालो ठीक तो हम जो मिस्त्री आता है तो जब नया फर्श डालता है तो वो क्या करता है कि जो हमारी पुरानी फर्श है उसको क्या करता है काट के निकाल देता है जो हमारी फर्श टूटी फूटी लूज कंक्रीट है उस कंक्रीट को क्या करता है तोड़ के निकाल देता है और सरफेस को हमारे क्या होता है रफ बना देता है और फिर उसके ऊपर नया कंक्रीटिंग का काम करता है ताकि उसके बीच में फ्रिक्शन बनी रहे और नई कंक्रीट और पुरानी कंक्रीट एक दूसरे को पकड़ सके उनके बीच में बॉन्डिंग बन सके इसलिए क्या करते हैं कि जो हमारी पुरानी सतह है उसको उसको हटा कर उसको साफ करके उसके जगह पे उस सरफेस को पहले रफ करते हैं और फिर उसमें नई कंक्रीट डालते हैं ताकि उन दोनों के बीच में हमारी बॉन्डिंग क्या करे बनी रहे चलिए अब आगे है हमारा कंक्रीट सत कंक्रीट बिछाते समय सावधानी है वो कंक्रीट बिछाते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए हमारा ये है तो देखिए पहला पहला क्या है कि कंक्रीट को ऊंचाई से नहीं पटकना चाहिए परत की मोटाई पंद्रह से तीस सेंटीमीटर होनी चाहिए अभी मैंने बताया कि जब हम कंक्रीट प्लेस करते हैं तो कंक्रीट को बहुत ज्यादा ऊंचाई से हम क्या करते हैं नहीं गिराना चाहिए तो वही इस लाइन में लिखा है कि कंक्रीट को ऊंचाई से नहीं पटकना चाहिए बहुत ज्यादा हाइट से नहीं गिराना चाहिए दूसरा पॉइंट है वर्षा होने कंक्रीट कार्य बंद कर देना चाहिए अगर हमारी वर्षा हो रही है ठीक तो हमको उस समय अपनी कंक्रीटिंग की कार्य बंद कर देनी चाहिए वर्षा में हमको अपना कंक्रीटिंग का कार्य नहीं करना चाहिए तीसरा गीली कंक्रीट पर पाव अथवा औजार नहीं रखना चाहिए मान लीजिए कि हमने कंक्रीटिंग का कई काम किया है अभी वो गीली है तो उस गीली कंक्रीट में हमको अपना पैर या हमको अपने कोई औजार अप्रेटर्स को नहीं रखना चाहिए चौथा पॉइंट कंक्रीट डालने से पूर्व कार्य में निर्माण तथा प्रसार जोड़ की स्थिति निर्धारित कर लेनी चाहिए हमको कंक्रीटिंग का कार्य करने से पहले हमको एक्सपेंशन ज्वाइंट निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमको एक्सपेंशन ज्वाइंट कितने डिस्टेंस में देना है कितना देना है, है ठीक अत्यधिक गर्म मौसम अथवा दोपहर में कंक्रीटिंग कार्य बंद कर देना चाहिए अगर हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा है हाई टेम्परेचर है जब हम कंक्रीटिंग का कार्य कर रहे हैं उस समय टेम्परेचर हमारा बहुत ज्यादा है तो ऐसे समय में हमको कंक्रीटिंग का कार्य बंद कर देना चाहिए क्यों बंद कर देना चाहिए भैया कहाँ हम बंद करें तो सुन लो क्यों बंद करें रीजन होता है हर चीज़ का ऐसे थोड़े ना तो है मन मर्जी थोड़ा ना है अरे भैया मन किया तो हम बंद कर दिए तो रीजन सुनिए क्यों बंद कर देते हैं देखो जब अधिक टेम्परेचर होगा हाई टेम्परेचर होगा ठीक तो हम सीमेंट कंक्रीट बनाते समय पानी मिलाते हैं पानी मिलाते हैं तो हम पानी मिलाए हम कंक्रीटिंग प्लेस किए तो जिसमें का पानी हाई टेम्परेचर होने की वजह से वो क्या होगा इवॉपरेट हो जाएगा इवापोरेट हो जाएगा इवापोरेट हो जाने की वजह से एक कारण वो क्या हो जाएगा कि हमारा जो सीमेंट है वो जलायोजन क्रिया पूर्ण नहीं कर पाएगा जलायोजन क्रिया नहीं कर पाएगा तो कंक्रीट सीमेंट हमारा सामर्थ्य नहीं देगा सीमेंट हमारा सामर्थ्य नहीं देगा तो हमारी कंक्रीट क्या होगी मजबूत नहीं होगी इसीलिए हमको गर्म मौसम में कंक्रीटिंग का कार्य नहीं करना चाहिए तो ये कुछ सावधानियां थी जो हम कंक्रीट बिछाते समय सावधानी हम क्या कहते हैं बरतते हैं ठीक नेक्स्ट हमारा है फर्मो में कंक्रीट भरते समय सावधानी जब हम फर्माबंदी करते हैं तो उस फर्माबंदी में कंक्रीट भरते समय क्या सावधानियां बरतते हैं आइए ये देखते हैं चलिए आइए देखते हैं फरमे के भीतरी भाग को साफ कर लेते हैं है देखो सबसे पहले अच्छी सबसे पहली सावधानी क्या करती है कि फर्मा का जो भीतरी सतह है जिसमें कंक्रीटिंग करना उस सतह तो को अच्छे से साफ कर लेते हैं जो कंक्रीट लगी रहती है गंदगी लगी रहती है उस चीज को हम क्या करते हैं साफ करके से रिमूव कर देते हैं और कंक्रीट की सतह पर हम क्या कर देते हैं तेल लगा देते हैं या ग्रीस लगा देते हैं जिसके वजह से हमारा जो कंक्रीट है उस फर्मीबंदी को से जब हम निकालेंगे फर्मा को निकालेंगे तो कंक्रीट से वो चिपका नहीं वो आसानी से उसको छोड़ देते पहला काम ये करेंगे कि उसकी इंटरनल सरफेस को अच्छे से साफ कर लेंगे उसकी सरफेस पे तेल लगा देंगे ताकि वो एक दूसरे को अच्छे से पकड़ लें दूसरा फर्मे के अंदर कोई कील बोल्ट निकली नहीं होनी चाहिए चलो दूसरी साधन ये बरतनी चाहिए कि हम ये ध्यान देंगे कि फर्मे के अंदर कोई कांटी ना हो कोई बोल्ट ना हो इसके वजह से क्या होगा हमारी कंक्रीट में वो अंदर चल जाएगा और फर्मा को निकालने में कोई दिक्कत होगा ठीक तो ये सावधानियों को क्या करनी चाहिए बरतनी चाहिए फर्मा करते समय एक बार अभी आपको फर्माबंदी बता भी देते कैसे किया जाता है जैसे हम फरमाबंदी जैसे हम कॉल बीम बना रहे हैं तो आप लोग देखे होंगे कि मान लीजिए हमको यहाँ बीम बनाना है तो उसके पहले हम क्या करते हैं साइड साइड में आजकल तो स्टील का आ रहा है फर्माबंदी आप लोग देखे होंगे इस तरीके स्टील का आता है या इस तरीके का या पहले में हम क्या करते थे तो पटरा यूज करते थे ऐसे ऐसे पटरा यूज करते थे पटरा का भी उपयोग करते थे ठीक ये पटरा उपयोग करते थे ये हमारा कहलाता है फॉर्मा बंदी इंग्लिश में फॉर्म वर्क करते हैं ठीक अब इसमें क्या करे करते थे हम कंक्रीट लाए और कंक्रीट को क्या किए भर दिए प्लेसिंग कर दिए ऐसे ऐसे हम क्या किए प्लेसिंग कर दिए ऐसे ही आजकल कॉलम का देख लो कॉलम भी दिखा देते हैं कॉलम का आपका इस तरीके का होता है ये फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं इस तरीके से होता है साइड व्यू इस तरीके से आपको दिखेगा ठीक इसमें क्या करते हैं हम लाते हैं और कंक्रीटिंग ऐसे ऐसे कर देते हैं ऐसे ऐसे भर देते हैं ठीक ये फर्मा बंदी है फरामबंदी करते समय इसकी सरफेस को हम साफ़ कर लेते हैं इस पर ग्रीस लगा लेते हैं तेल लगा लेते हैं अच्छे से ठीक है तो यही थी आपकी प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट उम्मीद करते हैं आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा थैंक यू